नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। सीतापुर पुलिस और चकबंदी ऑफिस के कानून अगो की कार्यशैली पर उठ रहे सवालिया निशान। दोनों की मिलीभगत से किसान की कृषि योग्य जमीन पर डाला जा रहा है डाका। दोनों की मिलीभगत से दबंगों द्वारा किया जा रहा है किसान की कृषि योग्य जमीन पर अवैध निर्माण। अवैध निर्माण का विरोध करने पर दबंगों ने अवैध असला तान कर युवक की जमकर की पिटाई। फरियाद लेकर पहुंचा रामकोट पुलिस के पास, पुलिस ने अनदेखी की और मायूस होकर लौटा पीड़ित। पुलिस के सुस्त रवैये से 16 मई को रामकोट थाना क्षेत्र के बसंतपुर गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में हुई मारपीट में दो महिलाओं सहित 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आपको बता दें कि यह पूरा मामला रामकोट थाना क्षेत्र का है। यह गांव चकबंदी में है। दबंगों से अच्छी खासी रकम लेकर कानून रामबली कश्यप द्वारा भूमि नक्शा में हेर फेर कर दबंगों को अवैध निर्माण करने की स्वीकृति दे दी, जिसे दबंगों और स्वयं कानून ने गुरुवार सुबह 5 बजे से ही निर्माण कार्य कराए जाने लगा, जिसकी सूचना रामकोट थाने पर दी गई। इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। सभी पीड़ित भटकते रहे। संवाददाता आशु मलिक की रिपोर्ट। हमारे पापा की जगह है और मंडा पुलिस जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। जब हम रोक कर लिए गए न्यू भरी यात्रा, जब रोक कर लिए गए उनका बहुत मायन संजय घर वाले उनके सब लोग ठाकलोहर। और जब वहाँ मौजूदा पुलिस रहा 100 नंबर पुलिस की रुक जाओ काम, हम रुक जाओ, लेकिन तब भी सुने ना उनका बहुत मायन। जब सुबह अप्लीकेशन लेके गए 7 बजे बैठे हुआ, लेकिन सुबह अप्लीकेशन लेके गए 7 बजे थाने गए हैं, लेकिन कोई वो बैठे रहे कोई सुनवाई नहीं भाई। तब 10 बजे अप्लीकेशन नहीं गए, उसके बाद जमा कर लिए गए, रसीद पे दे गए, लेकिन अभी भी मौजूदा पुलिस ना पहुंची वहाँ पर। काम चल रहा है, लोग भरे जा रहे हैं, कोई पुलिस वाला काम वहाँ पर लिए नहीं पहुंचा है, लोग भरे जा रहे हैं, काम चल रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी खास खबर के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट व शेयर करें और भारत रफ्तार न्यूज की हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।